दोस्तों हाल फिलहाल में बॉलीवुड अब ये ना कोई भी मूवी को रिलीज करने से पहले एक या दो बार नहीं 100 बार सोच रहा है कि भैया मूवी रिलीज करे या ना करे, क्योंकि किसी भी थिएटर में चले जाओ सारे के सारे थिएटर खाली पड़े हैं। लेकिन साउथ वाले भैया हिम्मत करके जैसे तैसे करके अपनी फिल्में बना रहे हैं जो कि चल भी रही है अच्छी खासी। लेकिन साउथ का करियर भैया सिर्फ एक ही आदमी ने खराब कर रखा है जिसका नाम है प्रभास। प्रभास ने भैया एक नहीं दो नहीं तीन नहीं न जाने ऐसी कितनी सारी मूवी को बैक टू बैक फ्लॉप देता जा रहा है। अमिताभ बच्चन को भी शायद इसने एक टाइम पे फेल कर दिया। आज मैं बात कर रहा हूँ भैया काल की मूवी की। कल की मूवी देखो इतनी ज्यादा लोगों ने ना होप बना ली थी कि भाई इतनी तगड़ी मूवी होने वाली है, बढ़िया होगी। इसके अंदर कास्टिंग और क्या ना वो बहुत ज्यादा बढ़िया हो रखी है। मैं अमिताभ बच्चन की बात कर रहा हूँ, अमिताभ बच्चन भी उस वाली मूवी के अंदर है। प्रभास और अमिताभ बच्चन है और भी काफी ज्यादा हीरोइंस है, एक्टर्स है, दीपिका पादुकोण भी है। जैसे की मूवी के लिए ना लोगों ने इतनी सारी होप बना ली थी कि भाई बहुत तगड़ी बहुत लेवल पे अच्छी मूवी होने वाली है, क्योंकि मूवी साउथ की एक तो ऊपर से बड़े बड़े एक्टर्स। प्रभास हो गया, प्रभास बड़ा एक्टर है जो भी है ठीक है, मतलब प्रभास बड़ा एक्टर है शायद मान सकते हैं बाहुबली के बाद उसको बड़ा एक्टर मान सकते हैं। लेकिन जो बैक टू बैक उसने फ्लॉप मूवी दी है उस पे शायद थोड़ा सा डाउट हो जाता है, बट कोई बात नहीं। प्रभास हो गया, अमिताभ बच्चन हो गया, दीपिका पादुकोण भी, और न जाने कितने सारे इसके अंदर एक्टर्स हैं। मूवी जब आई नहीं थी ना तो लोगों ने बहुत सारी उम्मीदें इस वाली मूवी से की थी। जब इसका ट्रेलर आया, ट्रेलर को देखने के बाद भैया लगा कि VFX वगैरह हो गए, जो इसका बैकग्राउंड म्यूजिक हो गया वो कितना अच्छा है कितना अच्छा नहीं है शायद मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके दोनों ट्रेलर देखे हमने, दोनों ट्रेलर के अंदर मेरे को देखो पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मेरे को कुछ खास उम्मीद हुई नहीं थी कि भाई मूवी कुछ अच्छी होने भी वाली होगी, क्योंकि इन्होंने पूरा का पूरा जो कॉपी कर रखा था वो कर रखा है हॉलीवुड मूवी से। हॉलीवुड मूवी भैया अपने VFX को लेके अपने काम को लेके इतने ज्यादा सीरियस होते हैं ना, पैशनेट होते हैं ना भाई, अलग ही दिखता है कि हाँ कुछ अंधा काम कर रखा है। जैसे कि कितनी भी सुपर मूवीज हो गई, बैटमैन हो गई, स्पाइडरमैन हो गई, मूवी बनाते हैं अच्छा खासा बजट लगाते हैं और वो दिखता है। इस वाली मूवी का बजट भी ठीक ठाक था, लेकिन इन्होंने VFX जो यूज कर रखे ना वो इतने घटिया मूवी के यूज कर रखे, साफ साफ दिख रहा है कि भाई कुछ शायद चलेगा या नहीं चलेगा, कुछ गारंटी नहीं ले रहे। और भैया जिस जिस बंदे ने मूवी को देखा है ना वो थिएटर से निकलने के बाद मूवी को गालियां दे रहा है कि कल की मूवी इससे अच्छा अगर हम ना ही देखते तो सबसे बढ़िया बात होती। मूवी देखने के बाद भैया जितना भी मूड उड़ता ना सारा का सारा खराब हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं, इंपॉर्टेंट नहीं सबसे बुरी बात बताऊं, एक तो मूवी अच्छी नहीं बनाई ठीक है, दूसरा इसका हाफ पार्ट बना दिया हाफ छोड़ दिया, मतलब कि इसका चैप्टर 2 आना बाकी है। अभी का क्या हो रखा है पता नहीं किसने यार ये दिमाग चलाया, ऐसा किसने ऐसी चीज की सस्पेंस बना के छोड़ देते हैं। KGF 1 आई सस्पेंस बना दिया, 2 आई फिर सस्पेंस बना दिया, अब 3 आएगी ठीक है। बाहुबली 1 आई सस्पेंस हो गया, 2 आई सस्पेंस हो गया, अब 3 बनाने की बातें कर रहे हैं। क्रिश की 1, 2, 3 जितने भी हो गए ना पार्ट्स के अंदर ये मूवी बनाए, चलो क्रिश का तो ठीक है भाई एक मूवी खत्म होगी उसके बाद वो दूसरा पार्ट निकलते हैं, बट ये मूवी को स्टोरी को आधा छोड़ दिया सस्पेंस के लिए पार्ट 2। एक तो भाई तुम्हारी कल की मूवी को कोई देखने नहीं जा रहा है और देखेगा भी तो तुम उसका सस्पेंस बना दो कि भाई ये वाली मूवी को भी शायद कोई दूसरा बंदा देखने आएगा। जितनी भी मूवीज आती जा रही है ना आजकल हॉलीवुड तो शायद नहीं कर रहा है, बॉलीवुड और ये साउथ वाले ज्यादा कर रहे हैं कि मूवी का सस्पेंस बनाए जा रहे हैं। पार्ट 2 भी आएगा, लोग इसका वेट करेंगे कि भाई कब जाके मूवी आएगी। देखो मैंने ये वाली मूवी देख लिया भाई, मेरे को 1% भी ये मूवी कोई ढंग की नहीं लगी है, ना इसके अंदर जो प्रभास की आवाज दे रखी है आवाज इतनी भारी दे रखी है, पता नहीं क्यों इतनी दे रखी है। बाहुबली के अंदर उस बंदे की आवाज अच्छी खासी थी, उसकी जरूरत थी कि भारी आवाज की जरूरत है तो उसको बोलना पड़ेगा ऐसा, हालांकि डबिंग की थी उसकी बट फिर भी उसकी भारी आवाज की। जितनी भी मूवी आ रही है सारी की सारी भारी आवाज के साथ देता जा रहा है, आई डोंट नो व्हाई। अमिताभ बच्चन की देखो नो डाउट कि भैया उसके अंदर उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन जो वो उसके माथे पे यहाँ पे वो लगा देता ना उससे एक अलग ही लगता है कि भाई इंसान है ना, मतलब बंदा कुछ सही नहीं लग रहा है, मतलब कि कहने का ये मतलब कि अलग ही इमेज सी आ जाती है, कुछ अलग ही हटके दिखने लगता है कि इसके पास सुपर पावर्स होंगी, लेकिन जो एक्चुअल जो सुपर पावर्स होती है ना वो उसका सही तरह का यूज नहीं कर पा रहा है। मैंने मूवी को देख ली भैया, मेरे को 1% भी मूवी अच्छी नहीं लगी है। बाकी आप लोगों के पास में जो भी थिएटर्स है ना वहां पे ये वाली मूवी लग रखी होगी, वहां पर जाके एक बार एंजॉय करो मूवी को, देखो कि कैसा है और जरा कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। और जाते जाते भैया एक काम कर देना कि चैनल को मेरे लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना ना भूलो। थैंक यू सो मच आपका अपना चैनल, नेक्स्ट वाली वीडियो मिलते हैं, बाय।